तो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो ये जो लाइटिंग्स आप मेरे सामने देख रहे हैं, जिनको आतिशबाजियाँ बोलते हैं, ये मेरे यहाँ पे चैत्र की नवरात्रा के 9वें दिन की रात जो होती है, उस दिन उस रात को यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें ये काफ़ी सारी आतिशबाजियाँ जलाई जाती हैं। और ये जो है हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है, तो इसकी उपलक्ष में यहाँ पे हमारे यहाँ फेस्टिवल होता है हिंदू धर्म में। ये 9 दिन के बाद मेला लगता है और यहाँ पे काफ़ी सारी आतिशबाजियाँ होती हैं, और इनमें काफ़ी दूर दूर से स्टेट लेवल के आतिशबाज जो मतलब हैंडमेड आतिशबाजियाँ बनाते हैं, पूरी तरह हाथों से बनी हुई आतिशबाजियाँ बनाते हैं, वो लोग आते हैं और अपनी अपनी आतिशबाजियों का प्रदर्शन करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अभी यहाँ पे काफ़ी सारी आतिशबाजियाँ चल रही हैं। ये जो मेला है लगभग पिछले 70 साल से यहाँ पे लगातार लगता आ रहा है, और हर साल इसी तरीके से लगता है, लेकिन पिछले साल नहीं लग पाया था क्योंकि कोरोना की वजह से यहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी, तो यहाँ पे कोई भी मेला वेला नहीं लगा और बिल्कुल सुनसान पड़ा रहा था पूरा का पूरा ग्राउंड। और ये ग्राउंड है माँ मनकामेश्वरी देवी का, इसको बोलते हैं गणेश बाग, और यहाँ पे मेला हर साल लगता है। अगर आप चाहें तो आके देख सकते हैं इसे। बाकी आप आगे वीडियो एंजॉय कीजिए।
बहुत प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे। मेला कमेटी आप सबका धन्यवाद करती है कि आप सब माँ के प्रांगण में आए, माँ का आशीर्वाद लिया और इस मेले का आनंद उठा रहे हैं। आपको भी ये देखिए करने के बाद माँ मनका मेसी देवी, राधा कृष्ण का मंदिर, चाउंडनाथ पटवारी, शंकर भगवान, राधा रानी, श्री केला मैया, लक्ष्मण जी, राम दरबार, हनुमान जी, सभी का आशीर्वाद लेने के बाद इस आतिशबाजी का आनंद उठाते हुए इस मंच पर दतिया भी हुआ करते थे, लेकिन कोविड गाइडलाइन के कारण बच्चियों को स्थान आपको होने जा रहा है तो हम व्यक्तियों से जरूर कराएं, खुद करें, अपने परिवार से कराएं। और इधर महेश भोलंबर, भोलंबर की
तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो सिंपली इसको लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।